नमस्ते। अब हम देखेंगे कि इंक्वायरी में जो फील्ड सिलेक्शन का ऑप्शन है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आप इंक्वायरी को पहली बार ओपन करेंगे या सबसे पहली बार इंक्वायरी में कुछ सेटिंग्स करने जाएंगे, तो उस टाइम पे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें आती है। उसमें सबसे पहला है आपको इंक्वायरी यूजर्स ऐड करने पड़ते हैं, और सेकेंड ऑप्शन आता है फील्ड सिलेक्शन। तो बेसिकली फील्ड सिलेक्शन कैसे काम करता है मैं आपको बताती हूँ। आपको जाना है मास्टर सेटअप में, उसमें थर्ड ऑप्शन है फील्ड सिलेक्शन। ये फील्ड सिलेक्शन इसलिए किया जाता है जिससे आप डिसाइड कर सके कि इंक्वायरीज डालते वक्त, इंक्वायरीज ऐड करते वक्त, उन इंक्वायरीज में आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पूछना चाहते हैं, उन इंक्वायरीज की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सिलेक्शन हम यहाँ से करते हैं। बेसिकली ये सिलेक्शन के बिना आप इंक्वायरी मॉड्यूल शुरू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको सारी फील्ड्स जो इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होंगी स्टूडेंट्स के लिए वो मिल जाएंगी। अगर आप चाहे तो उसमें से 5-6 फील्ड्स इंक्वायरी के लिए चूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो सारी फील्ड्स चूज़ कर सकते हो। जो भी फील्ड्स आप चाहो यहाँ से चूज़ कर लीजिए, और चूज़ करने के बाद आप नीचे से सेव कर दीजिए। मान लो इंक्वायरी के लिए ही आपको पेरेंट जो डिटेल्स हैं उनमें अगर नाम चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ जाकर नाम उनका चेंज कर सकते हैं। यानी कि लेबल, नाम मेरा मतलब था लेबल, आप अगर ये फील्ड का चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। और उसमें सेपरेट सिलेक्शन भी अवेलेबल है। जैसे यहाँ ऊपर से आप सिलेक्शन करते हैं अगर पेरेंट डिटेल्स का, तो वो तीनों फील्ड्स को साथ में कंसिडर करता है। आपको ये कंसिड्रेशन करने के बाद आप चाहते हैं कि इसमें से सिर्फ ईमेल्स नहीं चाहिए, तो आप उसको अनटिक भी कर सकते हो। फ़ोन नंबर नहीं चाहिए तो आप उसको अनटिक करके आप सेव कर दीजिए, और इतनी फील्ड्स सेव हो जाएगी। इसी के अंदर एक और ऑप्शन भी दिया है, वो जो है एडवांस फील्ड सेटिंग। यानी कि वैसी फील्ड्स जो आपने कस्टम में बनाई थी, यानी कि कस्टम फील्ड्स जो भी की क्रिएट की थी, उन्हें सेव करने के लिए यहाँ से सेव करने के बाद एक बार आपको एडवांस फील्ड सेटिंग्स में जाकर सेव करना ज़रूरी है, ताकि वो सारी फील्ड्स सेव हो जाए और आप अपने इंक्वायरी मैनेजमेंट को रिज्यूम कर सके। इसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आप जब भी इंक्वायरी मैनेजमेंट शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे आप चाहते हो कि स्टूडेंट अकाउंट में मोबाइल नंबर कंपलसरी ना रहे, तो उसके लिए आप एडवांस फील्ड सेटिंग्स में चले जाइए, और उसके अंदर जाकर जो आपका बेसिक फील्ड डिटेल्स वाला ऑप्शन है उसको जाकर ओपन करिए, और उसमें जो फील्ड्स है उसके अंदर सबसे आखिर में आपको सेव का ऑप्शन दिया है। अगर ये सेव का बटन आप क्लिक कर देंगे तो स्टूडेंट अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है वो कंपलसरी नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप पूरा फील्ड सिलेक्शन कवर कर सकते हैं, और फील्ड सिलेक्शन के बाद आप इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन है ऑनलाइन है। ये एक बार फील्ड सिलेक्शन हो जाए तो आप इंक्वायरीज को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।